लोकसभा चुनाव को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में रविवार को गोरखपुर क्लब में मंडल स्तरीय भाईचारा बनाओ कैडर कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरवार का कार्यकर्ताओं ने माल्या अर्पण कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के मंडल का कार्यक्रम है, चुनाव स्तर पर है, इसलिए हम संगठन के पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का परचम लहरा रहा है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और बसपा का समझौता हुआ है। इस समझौते के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजना है। इस अवसर पर रामचंद्र गौतम, सुधीर कुमार भारती, ऋषि कपूर, दूधनाथ, विजय शंकर तिवारी सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गौरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य अतिथि घनश्याम चंद्र खरवार ने कहा, हमने देखा जब बहन मायावती जी की सरकार रही, बहन जी ने कभी भेद नहीं किया, सर्व समाज के गरीबों, सर्व समाज के मजलूमों के हित में काम किया। बहन मायावती जी एक ऐसी नेता रही जिन्होंने मंच से पिछड़े सवर्णों की बात किया। उसके बाद हर विधानसभा में जो 25-25 ना जो आप लोगों को तैयार करना था वो सूची तैयार है कि नहीं है, पूरा विवरण हमारे माननीय अतिथि महोदय को देने का स्वागत करते हुए बनी है। हम लोग ये कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम है और बहुजन समाज पार्टी के गोरखपुर मंडल के संगठन का कार्यक्रम है और चुनाव सर पे है, इसलिए हम अपने संगठन के पदाधिकारियों को देख रहे हैं। हमारे पदाधिकारी कहाँ कौन तैनात है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। दिशा निर्देश है ये है कि 2019 में लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराना है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का, बसपा का जो समझौता हुआ है, इस समझौते के उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजना है। यही संदेश है, यही निर्देश हुआ है माननीय बहन जी का।